व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। अपने अपने पिछले वीडियो में जो है गेम बनाया था स्नेक का, हम लोगों ने क्या किया था, उसको टाइटल दिया था एक स्नेक्स विद हैरी नाम का। हम लोगों ने एक विंडो बनाई थी, एक रिकैप आप लोगों को करा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हाइट और विड्थ जो है उसकी डिफाइन की थी, मैं कमेंट को ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने पाई गेम इम्पोर्ट किया, पाई गेम डॉट इनिट रन किया, सारे कलर्स डिफाइन किए, उसके बाद हमने एक विंडो बनाई। विंडो बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, कैप्शन दिया अपने गेम को, और कैप्शन नहीं मैं इसको टाइटल बोलता हूँ, तो मैं इसको गेम टाइटल लिख देता हूँ। यहाँ पर टाइटल दिया, टाइटल देने के बाद हमने पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट को रन किया, क्योंकि अगर हम कोई भी चेंज देखना चाहते हैं तो हमें पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट को रन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने गेम स्पेसिफिक वेरिएबल्स बनाए। अभी हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स बनाए, लेकिन अभी हम लोग जो है और वेरिएबल्स भी बनाने वाले हैं, जैसे कि एक्स की पोजीशन क्या है, स्पीड क्या होने वाली है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या स्पीड होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने गेम लूप बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, इवेंट को प्रिंट कर दिया, और साथ ही साथ जो क्विट वाला इवेंट है, यानी कि जब यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ पर, यहाँ क्लिक करेगा तब क्या होगा, ये मैंने हैंडल किया, यहाँ क्लिक करेगा तो एग्जिट गेम ट्रू हो जाएगा और ये गेम लूप के बाहर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें की थी, और जब जब ये वाइल लूप के अंदर रहेगा, यानी कि गेम लूप के अंदर रहेगा, तब तब क्या होगा, वाइट कलर से फिल हो जाएगी पूरी स्क्रीन, और पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट हम लोग रन करेंगे। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, स्नेक का हेड बनाएंगे। तो गाइस पाई गेम में रेक्टेंगल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, सिर्फ इतना आप लोग को लिखना है। कहाँ बनाओगे, गेम विंडो में, उसके बाद किस कलर से बनाओगे, ब्लैक से। उसके बाद आप लोग एक लिस्ट देते हैं जिसमें आपकी एक्स वाई और उसकी लेंथ और विड्थ होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एक्स, तो मैं स्नेक अंडरस्कोर एक्स बनाऊँगा एक वेरिएबल, एक स्नेक अंडरस्कोर वाई बनाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, साइज़ बना दूँगा, साइज़ कॉमा साइज़। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो उसकी लेंथ और विड्थ है स्नेक की वो सेम रख रहा हूँ, उसका नाम मैं साइज़ रख रहा हूँ, और मुझे उसको स्नेक अंडरस्कोर साइज़ कर देना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो गाइस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया मैंने इतनी देर में क्या कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे गेम स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं उनमें मैं जाता हूँ, और स्नेक एक्स स्नेक वाई स्नेक अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू करता हूँ, स्नेक एक्स मेरा क्या होने वाला है, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए 45 कर देता हूँ। ये इनिशियल पोजीशन है मेरे स्नेक की, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो आप। स्नेक वाई को मैंने 55 कर दिया, और स्नेक अंडरस्कोर साइज़ को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको मैं करने वाला हूँ 10। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप लोग देखना मेरा स्नेक का जो हेड है वो बन जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक जो है हेड बनाया, और ये जो इवेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ तो सारे इवेंट प्रिंट हो रहे हैं, कीबोर्ड में कीज़ प्रेस करूँगा तब भी जो है यहाँ पर इवेंट्स प्रिंट होंगे। तो जो प्रिंट कर रहा हूँ इवेंट यहाँ पर, मैं उसको हटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा था, और आप लोग अब समझ चुके हैं, इसलिए मैं इसको अब नहीं करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको हम लोगों ने हेड बना लिया है, अब मुझे मेरे अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब मेरे अगले स्टेप्स ये होने चाहिए कि मुझे एक वेलोसिटी देनी है इसको, और जो वेलोसिटी रहेगी इसकी, उस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा इस तरह, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या करेगा, ये चेंज करेगा पोजीशन अपनी वाई में और एक्स में। अगर ये एक्स में पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये वाई में नहीं करेगा, और अगर ये वाई में पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये एक्स में नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों में एक साथ इसने पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दी तो ये डायगोनल में जाएगा। ऐसे हम नहीं चाहते कि डायगोनल में जाए, या तो ये एक्स में जाए या ये वाई में जाए। इस चीज़ को हम किस तरह हैंडल करेंगे गाइज, ये आप लोग अगले वीडियो में मेरे देखिएगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और आप लोग जो है और वीडियो चाहते हैं इस सीरीज़ में, और गेम्स में चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट मेरी यहाँ पर है, आप लोग जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक या ज़रूर से कर देना अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक करना इज़ अ मस्ट। आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग को आने वाले वीडियोस नहीं मिलेंगे, इसलिए चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को आने वाले वीडियोस मिले। मैं सिर्फ यही गेम नहीं बनाने वाला हूँ, मैं आने वाले टाइम में और भी गेम्स बनाने वाला हूँ, तो आप लोग जो है इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप लोग को मिलते रहे इस तरह के वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।